पाकिस्तान पाकिस्तान हाय हाय 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 जम्मू कश्मीर प्लीज जिंदाबाद 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 जेके प्लीज जिंदाबाद 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 कश्मीर प्लीज जिंदाबाद 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 जम्मू कश्मीर प्लीज जिंदाबाद 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 जेके प्लीज जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है। आज हमने पाकिस्तान का झंडा फूंका है, क्योंकि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने सिद्धड़ा के अंदर जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की। सतर्क हमारी पुलिस सेना, जिन्होंने इन चार आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया है। हम सेना पुलिस का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारी जम्मू पुलिस लगातार सतर्क है और इन आतंकवादियों को मंसूबे में बार बार पानी फेर रही है। हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं, तुम जितने भेजोगे हमारी सेना मार गिराएगी, ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मार गिराएगी। एक भी आतंकवादी को हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। यह प्रण है हमारी पुलिस का, हमारी सेना का। और जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग जो है हमारे कुछ नेता जम्मू के अंदर करते हैं, जो कश्मीर बेस के नेता हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, अरे भारत तो अलग था ही नहीं कभी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, तिरंगा हर जगह जगह ऊंचा, तो सब भारत का ही हिस्सा है, तो भारत अलग था नहीं। लेकिन केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम और लोगों को साधने का काम जो है बेवकूफ बनाकर ये लोग कर रहे हैं। कहीं भारत जोड़ो यात्रा केवल बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं। और इन लोगों ने हमेशा चाइना का सपोर्ट किया है, इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान से वार्ता करने की बात कही है। आज इनका किसी का भी ट्वीट नहीं आया कि हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस ने चार आतंकवादियों को मार गिराया है। किसी ने भी ना हमारी पुलिस का अप्रिशिएट किया है, ना हमारी सेना को अप्रिशिएट किया है। तो ये कौन से देशभक्त हैं? हमेशा आर्मी के ऊपर टिप्पणी करना, हमारी पुलिस पैरामिलिट्री के ऊपर टिप्पणी करना, और उन लोगों को जो जेल के अंदर बंद हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर जेल के अंदर बंद हैं, जो आतंकवादी जेल के अंदर बंद हैं, उनको निर्दोष बताने का काम जो है ये नेता करते रहे। ये केवल देशद्रोही हैं और कुछ नहीं, केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का काम कीजिए। जिस प्रकार से हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर आतंकवादियों को सबक सिखा रही है, केंद्र हमारी ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को उसी प्रकार से उसकी भाषा में ही समझाने का जो है वो साहस जो है वो केंद्र सरकार करें।